रतलाम जिले के आलोट में सोयाबीन बीज मामले में धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। आलोट थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह गरिया ने बताया कि शिकायतकर्ता जसवीर सिंह तोमर प्रभारी अधिकारी राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड उज्जैन ने लिखित शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया कि उज्जैन के कृष्णा एग्रो सीड्स को 2500 क्विंटल सोयाबीन बीज आलोट से उज्जैन भेजे जाने का कार्य वर्ष 2017 के अगस्त माह में दिया गया था, लेकिन कृष्णा एग्रो सीड्स द्वारा मात्र 533 क्विंटल सोयाबीन बीज उज्जैन भेजा गया और बाकी 2000 क्विंटल बीज नहीं भेजा। उज्जैन राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के प्रभारी अधिकारी ने लिखित शिकायत में यह भी बताया कि कृष्णा एग्रो सीड्स के प्रोप्राइटर संजय और विशेष रावल से उन्होंने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद ही आया। अन्य परिजनों से संपर्क पर सामने आया कि संजय रावल व विशेष रावल परिवार सहित चले गए हैं, जिसकी कोई जानकारी नहीं है। प्रभारी अधिकारी जसवीर सिंह तोमर की लिखित शिकायत पर आलोट पुलिस ने कृष्णा एग्रो सीड्स के मालिक संजय व विशेष रावल के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों फरार है, पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। प्रभारी अधिकारी विद्युत उत्पादन केंद्र उज्जैन के द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें लिखा कि संजय रावल और विशेष रावल द्वारा हमारे बीज उत्पादन के 2500 क्विंटल प्राप्त करना था, इसमें से 533 क्विंटल प्राप्त किया और बाकी 2001 क्विंटल पुलिस के द्वारा कहीं घेरा फेरा कर दिया और वहां से घटना अपने निवास स्थान से फरार हुआ। इस संबंध में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पे अपराध पंजीबद्ध कर योजना में किया। रतलाम से अशोक परमार की रिपोर्ट।